अब कुछ मेडिकल साइंस का जिक्र कर लेते हैं। चला हमने वैसे रोबोट्स के बारे में तो सुना है, लेकिन रोबोटिक्स नहीं, हम जैसे मैं रोबोट की बात करूँ कि हम रोबोट के बारे में जानते हैं कि आजकल काफी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन रोबोटिक पिल के बारे में सुना है? नहीं, नई चीज है। एक नई चीज़ है। वैसे एंडोस्कोपी हम यूजली करवाते हैं अगर हमें कोई अपने इंटरनल बीमारी के बारे में जानना हो, लेकिन अब एंडोस्कोपी के जरिए उसके अलावा भी आपके पास एक और मेथड भी हमारे पास इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, वो है रोबोटिक पिल। अब रोबोटिक पिल क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से वो हमारी बॉडी में जाती है, क्योंकि यूजली हमें उसको निकलना पड़ता है, एक हम उसको गल्प इन कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वहाँ से प्रॉपर सैंपल्स लेती है जो भी हमें बीमारी की डायग्नोसिस करनी होती है, फिर स्टूल के जरिए वो पास आउट हो जाती है। इसके बारे में मज़ीद हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब हैं जो रोबोटिक इंजीनियर हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। और माइक्रो और रोबोटिक्स से उनका ताल्लुक है, सिद्ध यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है आपका। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। एंजियोप्लास्टी के लिए तो वो जी वो एक तार कैमरा डाली जाती है वेंस के अंदर। जी बिल्कुल। तो जिस तरह वर्दा कह रही थी ओरली लेनी है ये पिल, तो अगर किसी को एंजियोप्लास्टी करवानी हो इस पिल के थ्रू तो ओरली ली जाएगी या वेन में डाली जाएगी? नहीं, इसका जो पर्पज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझ लेते हैं। जो एंडोस्कोपी कैप्सूल की बात हो रही थी वो हमारे पास आमतौर पे 32 मिलीमीटर साइज उसका होता है और उसको गोली की तरह निगला जाता है और उसका काम ये होता है उसके आगे यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ होता है जो कि इमेजेस लेता है हमारे पूरे गट के अंदर और जिस्म के अंदर मौजूद, यानी कि हमारे गट के अंदर मौजूद, खासतौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पर अगर अल्सर हो, इन्फ्लेमेशन हो या इस तरह की दीगर कोई बीमारी मौजूद हो तो वो चीज़ आइडेंटिफाई की जा सकती है। लेकिन ये जो हमने एक पिल बनाई है इसको हमने रोबोटिक पिल कहा है और उसकी वजह ये है कि ये भी उसी चैनल को यूज़ करती है जिसमें एंडोस्कोपी कैप्सूल जाता है, लेकिन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जिनको हरफे आम में हम बैक्टीरिया कह देते हैं उसको कलेक्ट करने की सलाहियत रखती है और जबकि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट करके बॉडी से इवैक्यूएट करती है तो उनको हम लैब के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी खासियत ये है कि ये ऐसे मूजी अमराज की वक्त से पहले निशानदही कर सकते हैं जो कि अभी जिस्म पे नमूदार नहीं हुए, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ और दीगर मूजी अमराज। तो इस वजह से इस रोबोट जाहिर नहीं हुए हैं उससे पहले ही डायग्नोसिस किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर कैंसर के सिम्टम्स जब अपीयर होंगे तभी आप उसका मेडिकल डायग्नोसिस करेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है कैंसर की, खासतौर पर गट रिलेटेड कैंसर्स की, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर इनिशिएट हो जाती है गट के अंदर। तो जब ये कैप्सूल उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करता है तो उसकी कंपोजिशन को स्टडी करके ये डिटरमिन किया जा सकता है कि ये जो होस्ट है जिसके अंदर कैप्सूल टेस्ट किया गया ये कैंसर को जनरेट कर रहा है। सो इस तरह की दीगर और भी बीमारियां हैं जिसकी इसके जरिए से निशानदेही की जा सकती है। मैं कैप्सूल देख सकती हूँ, ये किस तरह का है रोबोटिक कैप्सूल? जी हाँ, ये मैंने ओपन किया हुआ है, अगर हमारा कैमरा इसको दिखा सके। हाँ, इसको जी क्लोज में दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। जब पूरा अंदर जाएगा? जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम भी थोड़ी सी देर में आ जाते हैं, खाली दिखाने के लिए क्योंकि ये प्रोटोटाइप वर्जन है। ये इसकी बैटरी है और साथ में इसके आगे एक वायरलेस रिसीवर है जो कि क्लोजअप के अंदर आई गेस अब नज़र आ रहा होगा। ये वायरलेस रिसीवर जो है रिमोट के ज़रिए से कनेक्टेड है, जैसे हम आमतौर पर किसी गाड़ी का दरवाज़ा ऑन या ऑफ़ करते हैं वैसे ही इस वायरलेस रिसीवर के ज़रिए से हम अपने इस कैप्सूल को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं और ये इसका स्टोरेज सैम्पलर है जहाँ पर हम इस कंटेंट को स्टोर करते हैं। और आइडिया इसका ये है इस कैप्सूल का कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इस जिस लोकेशन के ऊपर हमें सैम्पलिंग परफॉर्म करनी होती है वहाँ पर पहुँचता है तो हम इसको ऑन करते हैं जिसके थ्रू ये एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से सैम्पलिंग मैकेनिज्म ओपन होकर सैम्पल को कलेक्ट कर लेता है और जब हम ऑफ़ का बटन दबाते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है जिसकी वजह से सैम्पल इसके स्टोरेज चैम्बर में स्टोर रहता है और कंटेमिनेशन इससे अवॉइड हो जाती है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स, अगर हमारे इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा या इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? जी, हमारे पास जो एंडोस्कोपी कैप्सूल है वो मिलियंस ऑफ टाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर टेस्ट हो चुका है। सो हमारा टारगेट भी ये है कि जो जैसे सवाल अभी आ रहा था कि ये जो साइज़ है इस कैप्सूल का, अब मैं इसको असेंबल भी कर देता हूँ ताकि ये देखने में ज़्यादा बड़ा ना लगे, इसको हम रिड्यूस करने जा रहे हैं और रिड्यूस होने के बाद इसका साइज़ जो है वो इसके बराबर हो जाएगा जो कि हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल एंडोस्कोपी कैप्सूल्स के साइज़ के बराबर है। Okay. क्योंकि उस साइज़ के कैप्सूल का इम्पैक्ट ह्यूमन गट के ऊपर नहीं है तो हम भी ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस कैप्सूल का टेस्टिंग फेज कब कंप्लीट हो रहा है? जी, इसकी टेस्टिंग के दो फेज़ में अगर उसको हम डिवाइड कर दें, एक तो है हमारे पास इन वीवो टेस्टिंग जो कि अलाइव ऑब्जेक्ट्स के अंदर की जाती है, अभी तक वो फेज़ में हम नहीं जा सके जिसके लिए हमें सर्टेन अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा जो टेस्टिंग है यानी कि लेबॉरट्री
की हद तक, यानी कि जितने भी कैप्सूल्स बनाए जाते हैं या फिर ड्रग्स बनाई जाती हैं, उनको जिस अंदाज में टेस्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसी अंदाज में हम भी इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं और ये सारे वो प्रोसीजर्स कंप्लीट कर चुका है. सो हमारे हिसाब से ये कॉपी रेडी है टू बी टेस्टेड इन लाइव ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसके लिए सर्टेन अप्रूवल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं और दैट वुड टेक सम टाइम, लेकिन वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि वो जल्द हो जाएगा. कब तक मार्केट में अवेलेबल होगी? इसके लिए अगेन रेगुलेटरी बॉडीज़ का इम्पैक्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है. FDA का अप्रूवल हमें लाजमी चाहिए, जिसमें आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं. तो इस तरह की जो मेडिकल रोबोटिक्स की फील्ड है, उस क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रही है, सो इसलिए FDA का अप्रूवल इसमें लाजमी होता है. और जब तक हमें वो नहीं मिल जाता, हम इसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते. वैसे ये रोबोटिक पिल जी बनाने के पीछे मकसद क्या था, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, क्या सोच के आपने ये चीज़? जी असल में हमारे पास ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गट के अंदर रहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं. ना सिर्फ ये कि इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पहले बात आ चुकी है कैंसर, डायबिटीज़ या दीगर अमराज, इसके अलावा और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे न्यूट्रिशन एनालिसिस, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ फूड खाते हैं तो वो कितनी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी हमारी बॉडी से वेस्ट हो रही है, हमारी बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है. सो ये वाली चीज़ भी आइडेंटिफाई हो सकती है अगर हम प्रॉपर सैम्पलिंग कर सकें. लेकिन लिमिटेशन ये है कि आज तक की जो हमारी मेडिकल साइंस की फील्ड है, खासतौर पे मेडिकल रोबोटिक्स की फील्ड, उसमें ऐसा टूल हमारे पास कोई मौजूद नहीं है जो लाइव ऑब्जेक्ट के अंदर जाए और स्मॉल इंटेस्टिन से किसी सैम्पल को कलेक्ट कर सके. ऑडियंस के लिए शायद ये बात थोड़ी सी यूनिक भी होगी, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टिन है ये तकरीबन 6 to 7 meters लॉन्ग है. सो ये ह्यूज है. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वायर से कनेक्टेड है, उसको माउथ के थ्रू या एनस के थ्रू अगर हम इंसर्ट करने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं है कि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टिन तक पहुंच सके. सो इसलिए ऐसे ही डिवाइस की ज़रूरत है जो छोटी हो, जो पूरे पैसेज दुनिया में किसी और ने बनाई है. ये इस तरह के बहुत सारे कैप्सूल्स पे काम हुआ है, मिसाल के तौर पे कैप्सूल एंडोस्कोप की मिसाल आ गई, वो मार्केट में अवेलेबल है. इसी तरीके से ड्रग रिलीज़ के कैप्सूल भी अवेलेबल हैं, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक साइट के ऊपर ड्रग को रिलीज़ करना, इसके ऊपर काम हुआ है. उनमें से कुछ कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हुए, फिर कुछ नए लॉन्च हुए. बहरहाल लेकिन सैम्पलिंग कैप्सूल, यानी कि जो कि सैम्पल कलेक्ट करके वापस ले आए, ऐसा कोई कैप्सूल अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वी होप कि ये जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए ताकि हम लोग तमाम जो लोग हैं उसे फायदा उठा सके. वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी. बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश. बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.